दुर्ग जिला पुलिस विभाग लगातार शहर में बेवजह शोर मचाने वाले बाइकर्स पर कार्रवाइयां कर रहा है। बावजूद ऐसे लोग कार्रवाइयों से सबक नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाइयां अभी भी जारी है। आप खुद सुन सकते हैं बुलेट में लगे इन मॉडिफाइड साइलेंसर की डरा देने वाली आवाज। अब इस आवाज से अधिकांशतः लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और खास तौर पर दिल की बीमारी से ग्रसित लोग और कमजोर दिल वाले लोग इसकी चपेट में आ ही जाते हैं। शनिवार को भी ऐसे लोगों पर यातायात विभाग ने कार्रवाई की और चालान काटने के साथ साइलेंसर जब्त किया। ये जितने भी मॉडिफाई साइलेंसर है उसमें आप देखे होंगे कि टू व्हीलर में जो KTM गाड़ी आई हुई है, KTM बहुत खतरनाक, लड़कों को देखना जो नए जनरेशन के लड़के हैं उसमें मडगार्ड निकाल देते हैं और आगे पीछे का नंबर निकाल देते हैं। हाल ही में देखे होंगे सेक्टर 7 चौक में, 7-8 चौक में स्टील क्लब वाला जो चौक है वहाँ पर सुबह 5 बजे 2 बच्चे ख़त्म हो गए स्टंट मारने के चक्कर में। और ये जो बुलेट है इसमें तो चलो पंजाब से मंगवाते हैं साइलेंसर, बताया जाता है कि पंजाब का साइलेंसर है। बहुत ज़्यादा इससे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, बच्चियां हैं सिग्नल में खड़ी रहती हैं, कई अंडर ब्रिज में लोग फटाखा फोड़ते हैं, बहुत सी शिकायतें मिल रही। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और DSP साहब, ट्रैफिक DSP श्री सतीश ठाकुर साहब के दिशा निर्देशन में हम लोग रोज़ साइलेंसर निकलवा रहे हैं और उसके बाद भी लोग इसको नहीं मान रहे हैं। भाई ये टू व्हीलर वाहन जो है सिर्फ साधन है, आपके आवागमन का साधन है, आप इसको ऐसा उपयोग ना करो कि किसी को परेशानी, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो, किसी को आत्मसम्मान में ठेस हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों में अवेयरनेस आई नहीं रही है और हम कंटिन्यू कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल में पकड़े लड़के को, ये आपने देखा होगा गाड़ी है जिसमें मॉडिफाई साइलेंसर है, इनको मैंने दौड़ा के पकड़ा है लिफ्ट लेके, और इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है मैं करूँगा। और बस यही जानकारी आपके सामने है, अभी रोज का हमारा निरंतर कार्रवाई चल रही है।